दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश की बू आ रही है। यह हिंसा जब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति देश में हैं। जांच के बाद इसका खुलासा हो जाएगा इसके पीछे कौन है। ये सुनियोजित षड्यंत्र लगता है। ये साजिश की बात हो रही थी, इस सहयोग की बात हो रही थी। ये सवाल पूछा गया था R9 TV द्वारा भी, क्या ये महज एक सहयोग है या फिर षड्यंत्र है, साजिश है, क्योंकि एक साथ दिल्ली के जाफराबाद में बवाल हुआ और उसके कुछ चंद मिनटों बाद ही जो चिंगारी अलीगढ़ में सुलग रही थी और वो शोलों में तब्दील हो गई। अब वही सवाल सियासत में भी घूम रहा है। क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, दिखा रहे हैं आपको। और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं उसका जांच के बाद खुलासा होगा, लेकिन जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, उस समय इस प्रकार की हिंसा करने का मैं यह मानता हूं कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार ने जो मॉडल अपनाया था वसूली का, ये क्या केंद्र सरकार से कोई बातचीत होगी? ये विषय जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश कर रहा है, जो दिल्ली का विषय दिल्ली कर रहा है, लेकिन यह जो हिंसा है यह चिंताजनक है, इसके पीछे साजिश की बुआ है। तो सियासत दावी मान रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे साजिश की बू आ रही है और लगातार CAA, NRC, NPR को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। यहां पर महिलाएं धरने पर बैठी ही हैं।